हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि थंबनेल में आप सब देख के आए हो कि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि दिसंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए सीएमए फाउंडेशन का वन ऑफ योर फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसकी मैंने वीडियो स्टार्ट की थी, न्यू बैच स्टार्ट हुआ था आपका इसी चैनल पर सीए भक्त पर इस सब्जेक्ट का, बट उसके 3 साल वीडियोज के बाद उसकी वीडियोज में नहीं अपलोड कर रही हूँ। तो इसका मेन रीजन ये है कि मैं जो नोट्स हैं आपके इस सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं, आई वॉन्ट कि मैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करूँ। मुझे लग रहा है कि मैं उसमें एडिशंस कर सकती हूँ, इम्प्रूवमेंट्स कर सकती हूँ, जिससे आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसीलिए मैंने उसकी वीडियोस अभी के लिए रोक दी हैं। हम इस सब्जेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, पूरा टाइम टेबल लेके आई हूँ, कैसे करेंगे, कब खत्म होगा, सब लेके आई हूँ। आपके बहुत सारे क्वेश्चन थे कि मैम आप ये बैच लोगे नहीं लोगे, बैच कब खत्म होगा, दिसंबर 2024 के लिए होगा कि नहीं होगा। तो उन सभी क्वेश्चंस के आज मैं इस वीडियो में आंसर कर दूंगी। सबसे पहले बात तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, इतना देर हो गया, कोई देर नहीं हुआ। आपके पास कितने सब्जेक्ट है फाउंडेशन में? अकाउंट्स, मैथ्स, अरे यार ये इतना बड़ा क्यों चल रहा है? कितने सब्जेक्ट है आपके पास फाउंडेशन में? अकाउंट्स है एक, फिर आपके पास मैथमेटिक्स है एक सब्जेक्ट, देन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, फिर उसके बाद आपके पास बिजनेस लॉ है। ये 4 सब्जेक्ट है आपके पास फाउंडेशन में। तो क्या आपके ये 3ों सब्जेक्ट खत्म हो चुके हैं? नहीं हुए हैं। तो उस हिसाब से चलो ना बच्चे, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी मैथ्स की आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई हुई है, हार्दिक भैया आपकी क्लासेस ले रहे हैं, मैथ्स के न्यू बैच स्टार्ट हुआ है। एक तो आप मैथ स्टार्ट कर सकते हो, उसके बाद आप अकाउंट्स या फिर इकोनॉमिक्स में से, इन दोनों में से एक सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर सकते हो साथ साथ में, क्योंकि एक टाइम पे 2 ही सब्जेक्ट चलते हैं। तो मैथ्स के साथ इन दोनों में से आप कोई भी अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो, चाहे तो अकाउंट्स कर दो, चाहे तो इकोनॉमिक्स कर दो, जो भी आपको सही लगे, जो आपको बेटर लगे कि मुझे कर लेना चाहिए, इन दोनों में से वो कर लो। फिर उसके बाद जब आपके ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, तब तक मेरी लॉ की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये देखो पूरा टाइम टेबल लेके आई हूँ मैं, लॉ की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी और कब खत्म होंगी। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एकदम रिलैक्स होके पढ़ो अपना। एक तो मैथ्स स्टार्ट करो और उसके बाद या तो अपने अकाउंट्स या तो इकोनॉमिक्स में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब आपके बिजनेस लॉज का क्या टाइम टेबल है? मैम हमें पता तो चल गया कि करना अभी क्या करना है, बट लॉ स्टार्ट कब होगा? तो लॉ आपका स्टार्ट होगा 1 सितंबर से, आपकी क्लासेस फिर से रिज्यूम हो जाएंगी। लॉ की क्लासेस डेली क्लास अपलोड होगी, हम फटाफट पढ़ेंगे, 2-2 घंटे की क्लास रख के फटाफट खत्म कर लेंगे अपना, ताकि हम बाद में उसके रिवीजन ले सके, टेस्ट ले सके, मैराथन दे सके, सब कुछ कर सके। इसलिए फटाफट रेगुलर बैच हमें खत्म करना होता है। ठीक है, तो आपका सितंबर से स्टार्ट होके मैक्सिमम मिड ऑफ द अक्टूबर तक आपका मैं ये जो लॉ का सिलेबस है पूरा कंप्लीट कर दूंगी, रेगुलर बैच कंप्लीट कर दूंगी। ठीक है, जैसे हम 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, 4 सितंबर तक इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ऑलमोस्ट इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क खत्म हो ही चुका है, तो मैंने वीडियोस डाली हुई है, थोड़ा सा रह गया, वो 1-2 वीडियो में खत्म कर लूंगी मैं। ठीक है, उसके बाद हम 5 सितंबर से स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसे थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैंने इसमें थोड़े ज्यादा दिन लिए हैं, तो 18 तारीख तक आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी मैं खत्म कर लूंगी। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना सोगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो वो हम स्टार्ट करेंगे 19 तारीख से, और 27 तक आपका वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सोगा आपको इतना डिटेल में नहीं है जितना डिटेल में इंटर में है। ठीक है, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों को सोगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब बहुत डिटेल्स में आते हैं, बट सीएमए फाउंडेशन में इतना डिटेल में नहीं है, जितना आपको सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपका सोगा जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर नेगो का भी आपको बहुत कम सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का सारा सिलेबस आपको इसका इंटर में मिलेगा। इंटर में हम इसे बहुत डीप में पढ़ रहे होंगे, पूरा डीप में जाके एनालिसिस कर रहे होंगे कि क्या है इसमें। ठीक है, तो अभी के लिए जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो हम खत्म कर लेंगे कुछ दिनों में, 28 से लेके 30 तक हमारा नेगो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे बिजनेस लॉज का पोर्शन खत्म हो जाएगा सितंबर एंड तक, सितंबर स्टार्टिंग से लेके सितंबर एंड तक, मतलब 1 महीने के अंदर हम अपना बिजनेस लॉज वाला पोर्शन खत्म कर लेंगे, और फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन का पोर्शन, जो कि मैंने मैक्सिमम दिन लिए हैं ये 10 दिन। 10 दिन भी नहीं लगेंगे, कम ही लगेंगे, मैंने मैक्सिमम ले लिए हैं 10 दिन, ताकि अगर कुछ मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए या फिर 1-2 दिन ना क्लास आए, तो उस केस में मैंने 10 दिन ले लिए हैं। तो बिजनेस कम्युनिकेशन को आपको 10 दिन लग जाएंगे, और इस तरह से आपका 10 अक्टूबर को लॉ का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, रेगुलर बैच एकदम टाइम पे कंप्लीट होगा। अक्टूबर मिड तक आपके पास टाइम होता है कि आप अपने सारे रेगुलर बैच कंप्लीट कर लो।
ठीक है, तो अभी के लिए आप अपना मैथ्स एज वेल एज अकाउंट्स या इकोनॉमिक्स में से कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लो, फिर उसके बाद सितंबर से हम स्टार्ट कर देंगे अपना लॉज और उसके साथ जो भी सब्जेक्ट होगा। मैं रिकमेंड करूंगी कि अभी के लिए आप अपना मैथ्स और अकाउंट्स स्टार्ट कर लो। मैथ्स तो करना ही है क्योंकि वो तो चल ही रहा है, न्यू बैच चल रहा है। मैथ्स एंड अकाउंट स्टार्ट कर लो, फिर ये खत्म होने के बाद अपना स्टार्ट कर देना लॉ प्लस इकोनॉमिक्स, और इस तरह से अक्टूबर मिड तक आपको अपना रेगुलर बैच खत्म कर लेना है। उसके बाद आपको रिविजन्स लेनी है, टेस्ट देने हैं, एनटीपी आरटीपी सॉल्व करने हैं, मैराथॉन्स देखने हैं, बहुत कुछ करना है। तो इसलिए अक्टूबर मिड तक हम अपना सिलेबस कंप्लीट करके लेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में जहाँ पे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।